प्यारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी थी की बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो सिंगर हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत कमाल के इंसान हैं, मनन भारद्वाज जो हमारे साथ हैं। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ दिव्यांश भाई, कैसे हो आप? सब बढ़िया। एक गुड़गांव का एक लड़का, बचपन से उसको सिंगर बनना था, अब म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर बनना। बहुत शौक। अच्छा, बहुत स्पेसिफिक था। हाँ, उससे पहले कुछ नहीं था? मतलब एक होता ना कि एस्ट्रोनॉट बनना है, क्रिकेटर बनना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बचपन से यही था दिमाग में कि यही करना है। कहाँ से आया ये? मतलब रहमान साहब का एक शो देखा था, ए आर रहमान साहब और आप जगदीश सिंह साहब और खान साहब, ऑब्वियसली मिस्टर अली खान साहब, उनको मैं सुनता था, रहमान साहब को बहुत सुनता था। रोजा फिल्म आई थी, आई वाज लाइक 3 या 4 साल का था, मैं 3 साल का हूँगा, तो तब से ही म्यूजिक में कुछ ज्यादा ही रुचि आ गई थी मैंने। हालांकि मेरे परिवार में कोई नहीं है म्यूजिशियन। परिवार वाले किस पैशन? सारे यार बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल। हाँ, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए, थैंक गॉड मैं जैसा नहीं बना। मतलब मेरे को कई बार तो बड़ा रिलैक्सिंग सा फील होता है, रात को ऐसा होता है ना, सपना आता है स्कूल वाला सब सीन होता है, सुबह उठ के बड़ा ऐसा लगता है मुझे, थैंक गॉड स्कूल में नहीं हूँ मैं, थैंक गॉड सपना था। अच्छा, तो मैं पढ़ाई से बहुत दूर था। स्कूल कहाँ से आपका? स्कूलिंग सब कुछ गुड़गांव से। नाम स्कूल? एसडी आदर्श विद्यालय, जैसे हर हरियाणा का बच्चा होता है। पहले तो हुड़दंगी था मैं, बहुत ज्यादा शरारते करता था। पीटे आपने? पीटा कोई? पीटे पीटे सब करा यार, बहुत लोग पीटे हैं, बहुत बार पीटे हैं, मतलब तो सब करा है। वो एक एक ना नॉर्मल वो रहती है हरियाणा के बच्चों की। हाँ, वो मतलब आपको ना मतलब ऐसे मिलता है हरियाणा से, वो सब नहीं होता फिर क्या यार, गुड़गांव में क्या कर रहा था, लौंडे नहीं पीटे तो क्या किया लाइफ में, तो वो वाला एक तो सीन रहता ही है। वो सब चीजें चलती हैं, वो अपब्रिंगिंग का ना पार्ट है हमारा, हरियाणा सब करा है कि नहीं करा है। मतलब इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स हमें जब शर्ट वर्ट फटी हुई से हम घर पहुंचते थे तो सबसे पहले हमसे ये पूछा जाता था कि पिट क्या है कि पीट क्या है। अच्छा, तो वो थोड़ा सा रहता था। बड़ा ठीक है, मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा ना एजुकेटेड और वो सब थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ मेरी फैमिली रही है। मेरी मम्मा राइटर है, तो क्या कहते हैं वो थोड़ा सा नुकसान होता था बहुत ज्यादा, ये सब कहने की बात है, बेनिफिट मिलता है और आई थिंक फीस में मिल जाता होगा। हमारे बच्चा है तो नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या हो जाता है ना, बच्चे आपसे इस बात खुद तक निकालते हैं कि टीचर का लड़का है। हाँ, ये दूसरे जो टीचर्स होती हैं वो इस बात की खुंदक में रहती हैं कि अच्छा प्रिविलेज चाइल्ड है इनको, तो इसके तो मम्मी टीचर हैं, वो इस बात में खुंदक में रहती है। ठीक है, आधे बच्चे इस बात में खुंदक में रहते हैं, हम तो इतनी फीस भर रहे हैं, इसकी कम होगी फीस, तो वो सब खुंदक में रहते हैं, वो कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। ऊपर से जो टीचर हैं यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं, जो मम्मा है, वो मेरे को और मेरे फ्रेंड को आगे क्लास में सबसे पहले आगे मनन, एक मेरा फ्रेंड सबसे पहले अपना मतलब अपना बच्चे तो ज्यादा डांटेंगे। मनन और हिमांशु मेरे दो फ्रेंड थे, उसमें एक हिमांशु था, तो उसको हमेशा मनन और हिमांशु बेंच पर खड़े हो जाओ विदाउट एनी रीजन। मैं घर में कुछ बात हुई होगी मम्मी से, मम्मी स्कूल में आगे मनन मैं कुछ बोल भी नहीं पाता था उनको, तो ये बड़ा एक रहता था उनका तो। बट हाँ ठीक है, किस तरीके से काट लिया, बट हाँ ये था आई वॉज वेरी गुड इन म्यूजिक, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मुझे एक तरीके से म्यूजिक टीचर घोषित कर दिया था स्कूल का, कि यही एक होता ना प्रेयर करवाएगा, हाँ, असेंबली में ये सब करेगा, जाना गाना मना हो गया, हाँ, बच्चों को यही सब तो करेगा। सबसे आगे आप? सबसे आगे भी नहीं, मैं बिल्कुल एज अ टीचर मैं वो करता था। अच्छा, वो गाइड करते हैं एग्जैक्टली, हाँ, तो वो सब चलता था। फिर उसके बाद बहुत सारी ट्रॉफीज मैंने स्कूल को दिलाई थी म्यूजिक में, आई वॉज अ गुड पेंटर, तो मैंने पेंटिंग में भी बहुत वो किया था, तो क्राफ्ट का शौक था कि चाहे पेंटिंग हो म्यूजिक हो, बहुत ज्यादा ये तो रहा है मेरे को, क्राफ्ट का तो बहुत शौक रहा है। मैंने यार सब कुछ किया है ऑनेस्टली बताऊं, मतलब आर्ट में मेरे हिसाब से मैंने डांस और मेकअप को छोड़ के आई थिंक सब कुछ कर लिया, डांस और मेकअप को छोड़ के। हाँ ऑब्वियसली ऐसे इंटरव्यूज नहीं लिए मैंने, डांस की कोशिशें मतलब नहीं, बचपन में मैंने एक बार अपने मामा जी की शादी में नाचा था, उसकी वीडियो आई थी बाहर, उसकी वीडियो देखी थी जब मैंने, फिर उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे कि ये तो नहीं करना ये है, ये छोड़ देते। और आज तक मजाक उड़ता है मेरा, मेरे मामा जी की शादी में बचपन में नाचा था मैं, आज तक मेरा मजाक उड़ता है, वो देखते रहे वो सब। अच्छा, वो बर्थडे वाले दिन वही वीडियो लगाते हैं? वो बस ऐसे ही हो जाता है उनको, जब भी सारे बैठते हैं पूरा परिवार बैठता है तो वो वीडियो लगा लेते हैं और उसके बाद मजाक उड़ता है खूब। मैंने ना जहाँ पढ़ा, मैंने एक जगह वेबसाइट पर पढ़ा, आप जब 8th में थे तब आप पोइट्रीज को कंपोज करते थे,
पोएट्री ना खुद लिखते थे? नहीं, एट्थ में क्या हुआ था, एट्थ में एक मैं इनफैक्ट मैं कंपोज बहुत पहले से करने लग गया था। आपको पता भी नहीं था कि कंपोजिशन ऐसा कुछ होता है, बट आप कर रहे थे ऐसा? नहीं, मेरे डैड ने ना मुझे जगजीत से, मैं एक्चुअली इसका श्रेय अपने डैड को दूंगा, उन्होंने मुझे बचपन से ना बहुत अच्छा म्यूजिक सुनाया, बहुत अच्छा म्यूजिक सुनाया। मैंने माइकल जैक्सन भी सुना, मैंने जगजीत सिंह साहब को सुना, फिर मैंने क्या कहते हैं, मैंने बॉलीवुड उस टाइम पे बहुत कम सुना, मैंने नुसरत साहब को बहुत सुना, तो ये सब ना मैंने सुना बहुत। तो ये जब आप सुनते हो तो आपको फील होता है कि यार ये क्या है, फिर मैं मतलब पूछता था अपने डैड से, अपनी मदर से कि इसका क्या मतलब है। हाँ, वो लाइंस का, लाइंस का मतलब क्या है, उन थॉट्स का मतलब क्या है, क्योंकि उर्दू वर्ड्स होते थे उसमें, तो वो धीरे 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 समझ में आने लग गया। तो फिर अब जगजीत सिंह साहब के मैंने इंटरव्यूज बहुत सारे देखे, रहमान साहब के बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, बहुत सारी लाइव कॉन्सर्ट्स देखे मैंने उनके, ऑब्वियसली रिकॉर्डेड, तो वो सब चीज़ें देखी जब मैंने, तो मेरे को उस टाइम से श्योरिटी थी कि मेरे को यही करना है। मैंने कभी सिंगर बनने का हालांकि इतना ज़्यादा नहीं सोचा था कि मैं सिंगर बनूंगा, बिकॉज आई वॉज मोर इन टू क्रिएटिंग म्यूजिक, मैं कि क्रिएटिविटी में, म्यूजिक की क्रिएटिविटी में फोकस, वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा वो लगता था। आपने एक चीज़ और नोटिस की, जो पंजाब हो गया, चाहे वो पाकिस्तान वाला पंजाब है, चाहे वो ठीक है फिर ये हरियाणा हो गया, दिल्ली, नॉर्थ का जो फोक है और म्यूजिक है वो बहुत ग्रो, ऐसे बहुत आगे है एज कम्पेयर टू। यार फोक तो देखो सारे ही अच्छे हैं, सारे आप राजस्थानी सुनो, मराठी फोक भी सुनो, मराठी फोक जैसे बल्लभ रखवा आप सुनो, या फिर कुछ ऐसा, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुना, मैंने एक आधा मराठी गाना भी कंपोज किया था हालांकि, बट मैं इतना नहीं हूँ मराठी इसमें, बट हाँ जितना मैंने म्यूजिक सुना है फोक सारे अच्छे हैं, सारे वो सारे अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है इनमें। अच्छा, इसलिए अभी तक लोग सुन रहे हैं क्योंकि अच्छे हैं ना इतने सारे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जो बेकार रंग उसी टाइम खत्म हो गया होंगे। नहीं, वो बेकार तो फोक में रहा ही नहीं कुछ, मेरे को लगता नहीं फोक में कुछ भी ऐसा खराब रहा है, सब कुछ अच्छा है यार। इनफैक्ट हमारे बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा बार फोक आ रहा है, आते जाएगा, और बहुत आया है। हिट गानों को ना एक अगर देखो, हिट गानों को अगर कैसे खरोदो ना, तो उसमें से एक हल्का सा फोक का कहीं ना कहीं निकल के निकलता है फोक, आप नोटिस क्या होगा कभी? जैसे एग्जांपल दो मुझे आप। हाँ, आप मैंने अगर मैं हनी सिंह के गाने सुनो ना, हनी सिंह इतने फोक यूज करते हैं गानों में, ठीक है। अभी मैं वैसे जैसे अभी कहता था फर्स्ट किस गाना था, कुड़ी के निगा मार दा निगा मार, एक ये हो गया। अभी मैं जानी का एक गाना सुना था वाइट ब्राउन, अभी एक रिसेंटली ट्रेंडिंग गाना है, उसमें एक फोक, अभी एक ऑब्सेस चल रहे हैं विकी कौशल ने जो गाना हिट करके दिया, तो उसमें भी एक बीच में फोक आता है, आता हुआ जैसे मेरा चिट्टा फोक था यार, बट फोक से कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आता है ना बॉलीवुड, बिल्कुल आता है यार, वो इतनी इतनी डीप मेलोडीज है ना कि उससे आपका एक चीज मेरे को ऐसा भी लगता है कि वो आपने आपके पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स ने सुना है, वो बचपन से सुना हुआ है, वो खून में वो संगीत। इनफैक्ट आप एक साल के थे, जब दो साल के थे आप, जब बोधी में हो गए तब वो गाने प्ले होते थे, ठीक है, तो वो मेलोडीज आप अगर 20 साल बाद सुनोगे तो आपको ऐड कर जाएगी, जब आपको सेंस भी नहीं था मतलब बोलने का, तब भी आपके गानों में पढ़ते रहते थे वो। एक बात तो ये थोड़ा सा एक वो रहता है, वो बहुत पुराना और बहुत खूबसूरत म्यूजिक है, तो वो तो कनेक्टेड तो है यार हमसे। जो आप पोइट्री को कंपोज करते थे, वो आप पोइट्री लिखते थे? नहीं नहीं, मैं उस टाइम पे क्या करता था, हिंदी की बुक में ना पोएम्स होती थी, देशभक्ति, ये वो, ऐसी ऐसी वीर तुम बड़े चलो, हाँ एग्जैक्टली, एक थी मन समर्पित तन समर्पित, हाँ, तो वो मैंने कंपोज करी थी। दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे पता ही नहीं था कि ये दोनों ऐसे बनाई जाती है, बनाई जाती है, आई वाज जस्ट यू नो आई स्टार्टेड सिंगिंग दैट। वो कहते हैं कि कभी कभी हुनर आपके अंदर ही होता है, आपको निकालना होता है, एग्जैक्टली, पता भी नहीं होता आपको, तो वो चीज बनाई बने। और मेरे को ना ऐसा नहीं था कि मैंने कभी कुछ और सोचा हो। आई रिमेम्बर वन डे, एक बारी मैं हम लोग ऐसे थे, मतलब मैं मेरा फ्रेंड, हम लोग थे, मैं दीपक हिमांशु, तो मैं अपने फ्रेंड को मैंने बोला था कि यार देख ऐसा है, 8th क्लास में थे, तो तब फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा था, मैंने न्यूज़ में देखा था कि अच्छा वैंकी कॉलेज की इतनी कट ऑफ लिस्ट निकली है, इसकी इतनी कट ऑफ लिस्ट निकली है, 99, 98, कौन सी बात होंगी, आई गेस 2002 की बात होगी, उस टाइम पे कट ऑफ रहती 96 है ना, 96, 98, ऐसे ऐसे। मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं यार देख ऐसा है, ये तो आनी नहीं रही, ये तो होगा नहीं, और मेरा सिंपल सॉर्टेड सा है, मैं ये अच्छा करता हूँ, मेरा दिल भी इसमें लगता है। इनफैक्ट मैं घर वालों को ब्लैकमेल करता था, मैं प्री बोर्ड एग्जाम्स तब दूंगा जब मुझे ये वाला कीबोर्ड मिल जाएगा। अच्छा, ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई कहानी होगी प्रॉपर प्रॉपर कहानी भाई, मेरा मतलब मेरा सारे सब्जेक्ट, हमारा उस टाइम पे ना 100 में से 33 नंबर वाला पास होता था। हाँ। एक पॉइंट तो ऐसा भी आया था मेरे सारे सब्जेक्ट को मिला के 33 नंबर नहीं थे। क्या बात, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 10th क्लास के अंदर प्री बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में
प्री बोर्ड से पहले, मतलब टोटल जितना भी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होता था उस टाइम पे, टीचर्स कुछ सब दुश्मन थे भाई मेरे, सारे टीचर्स दुश्मन थे कि मेरे और मेरे संगीत के सब दुश्मन थे। सस्पेंड हुए आप? मतलब सस्पेंड नहीं हुआ, हाँ सस्पेंड हुआ, रेस्टिकेट नहीं हुआ, सॉरी। अच्छा, हाँ सस्पेंड हुआ के लिए सस्पेंशन हुआ है बहुत बार हुआ है। कैसे कुछ किया आपने, याद है? बंक मार लिए थे यार, बहुत ज्यादा बंक मार लिए थे हम लोग। हम क्या कहते हैं, बंक मार के मूवीज वगैरह देखते थे, सब देखते थे। मेरा मूवीज में फिल्म्स वगैरह बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो म्यूजिक ही था ना उसमें, म्यूजिक वो चाहिए होता था मुझे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार वेंकी और ये सब की देखो भाई ऐसा है, ये तो बहुत ज्यादा कट ऑफ लिस्ट है, ये तो होगा नहीं मेरे से, ठीक है। मेरा सिंपल सा सीधा सीन है, मैं ये करने वाला हूँ, ऑडियो इंजीनियरिंग करूँगा मैं। मैंने उस टाइम सर्च करा, मैंने कहा एक ये इंजीनियरिंग भी होती है, रहमान साहब ने करी है, फ्रिटर्निटी कॉलेज ऑफ लंदन वाला भी सीन था उनका, तो वो सब ने उनके बारे में स्टडी करने लगे, रहमान साहब ने क्या किया, उनको साउंड की भी इतनी नॉलेज है, ये भी सारा सीन है। फिर एक बारी उनका लाइव कॉन्सर्ट में जावेद जाफरी जी थे, उन्होंने रहमान साहब से पूछा कि सब कहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर से म्यूज़िक बनाते हो, वो मुझे क्लिक कर गई बात। मुझे लगा कि यार इसका मतलब तो सॉफ्टवेयर से भी म्यूज़िक बनता है, ठीक है। तो आई वॉज लाइक के ढूंढता हूँ यार अब सॉफ्टवेयर कहाँ मिलता है। फिर किसी से बोला पालिका बाज़ार मिलता है, गुड़गांव से पास था, तो मैं पता नहीं बसे वसे पकड़ के मैं वहाँ पे गया हूँ, पालिका राजीव चौक, हाँ पालिका बाज़ार नीचे अंडरग्राउंड के अंदर भाई म्यूज़िक के सॉफ्टवेयर मिल जाए, वहाँ कुछ और ही मिल रहा था वो अलग, उनका वहाँ पे उनकी अलग फिल्म चलती है। बट कुछ ना कुछ करके मैगजीन के साथ सीडी फ्री आ जाती थी, उसके साथ कुछ मिल जाता, तो ऐसे कर करके देन आई ऑप्टेड फॉर ऑडियो इंजीनियरिंग। मैं फिर बॉम्बे नहीं आया, यहाँ पे ऐसे ही करी, यहाँ से ऐसे ही करी थी मैंने ऑडियो इंजीनियरिंग, एंड बस चल ही रहा है तब से, सीख ही रहे हैं। फिर वहाँ से आप मुंबई आ गए, मुंबई कैसे आए, मतलब ऐसे मुंबई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है कि मुंबई शहर में आए, आर्टिस्ट का शहर? बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था, मैं वो ना एक्चुअली बताना नहीं चाहूँगा, वो क्यों नहीं इसलिए नहीं बताना चाहूँगा कि वो डिस्करेज नहीं करना चाहता मैं किसी को, वो बहुत ही सैड स्टोरी है, बहुत अजीब स्टोरी है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मुंबई पहली बार आए तो मज़ा नहीं आया यार, कहीं भी आप चले जाओ जब धन नहीं है ना आपके पास तो कहीं मजा नहीं आएगा। ये तो चाहे बॉम्बे चले जाओ चाहे लास्ट वेगास चले जाओ, धन होना चाहिए आपके पास, जेब में पैसे तो ऑब्वियसली यार आ जाते हैं, आज हम बढ़िया होटलों में रुकते हैं, सारा कुछ है, सुख सुविधाएं हैं हमारे पास, तो कंफर्ट रहता है, मजा आता है, कंफर्ट रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं आपका एकदम से ना, जो मनोस्थिति होती है ना आपकी, मेंटल स्टेटस होता है, वो आपका बहुत डाउन चला जाता है जब आपके जेब में पैसा नहीं होता। तो वो वाला टाइम था मुंबई स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ यार, मैं जब बॉम्बे आया था मेरे को एजुकेशन के लिए आना था, and my dad passed away like 6 months ago, and I used to have a solid superb life in Gurgaon usse pehle, and uske baad suddenly head and tail wala difference aa gaya tha. So jab main yahan pe aaya tha, yahan pe maine apna loan khud liya education ka, loan mujhe baad mein bharna bhi tha obviously, to tab tak padhai pe itna dhyan nahi diya tha, ab yahan pe aake padhai pe dhyan dena because khud ka zimmedari aa gayi na, khud ka paisa kharcha ho raha hai, to wo laga wo sari baatein yaad aayi jo parents ne boli thi, to wo sab tha, wo bahut hi ek lamba phase chala uska, but ha theek hai. अब पेरेंट्स का होता है कि मतलब जाने के बाद जो एक लाइन ना फिर समझ आती थी। सो बेसिकली ये है, मैं इसको ये नहीं बोलता कि स्ट्रगल किया मैंने, ये किया वो किया, ये मेहनत है। हाँ मैं भी मतलब मैं बोलता हूँ, कोई बोलता है स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल नहीं सफर बोलते हैं। हाँ ये मेहनत है, ये मेरा रास्ता था ऐसा। एग्जैक्टली, और मज़ा लिया मैंने हर चीज़ का मज़ा लिया, मेरे को बड़ा, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से, जो मिल रहा है, जो मिलेगा, जो मिला है मेरे लिए वो सब टूट भाई, इतना तो रैम हो गया, मैं भी कर लेता हूँ। सो ये था सारा सीन। और पहला प्रोजेक्ट कौन सा मैंने, मतलब लाइफ में पहला प्रोजेक्ट? हाँ लाइफ में पहला प्रोजेक्ट। लाइफ में पहला प्रोजेक्ट यार एक ना बहुत ही अजीब सी, और अजीब सी में मज़ा आता है, अजीब स्टोरी है ये, बहुत मेरे जो क्लोज लोग हैं उनको पता है ये स्टोरी। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरे स्टूडियो में ना एक 88 कीज़ का ना एक बहुत बड़ा कीबोर्ड रखा हुआ है, बहुत भारी है 88 कीज़। हाँ तो वो बहुत उसको रखा हुआ है, मैंने सजा के रखा हुआ है, मतलब आई डू नॉट प्ले दैट, वो मेरा फर्स्ट कीबोर्ड है। सो हुआ क्या, मैं वापस अपना घर पे चला गया क्योंकि मामा अकेले थे, क्योंकि मामा के साथ रहना था, वहाँ पे जाके अब मैं सोच रहा हूँ करेंगे काम करेंगे, मेरा कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर भी बहुत Pentium 3 चल रहा, 512 GB रैम नहीं यार, 512 MB नहीं, बहुत ही कम थी रैम, तो बड़ा बहुत ही अच्छा, मतलब गया गुजर बहुत पुराना, बहुत पुराना। तो अब मेरे पास कीबोर्ड नहीं था उसके लिए, तो बड़ी मुश्किल से ना पैसे वैसे जोड़ के मैं गया, दिल्ली में एक स्टोर है भारत म्यूजिक हाउस, बहुत पॉपुलर स्टोर है, वहाँ पे बाजी थे, मैंने बाजी को बोला मैं बाजी मेरे को एक कीबोर्ड चाहिए ऐसे करके, तो उन्होंने बोला यार ये, मैंने पूछा कितने का है, वो कहते 26,000 रुपये का है। मेरे पास एग्जैक्ट सब मेरी पूरी जो दौलत थी ना भाई, पूरी दौलत थी इधर उधर राशन का पैसा ये सब कुछ मिला के मेरे पास थे 23,000 रुपये। मैं बड़ा उदास हो गया, मैंने बाजी मेरे पास 23,000 रुपये पड़े, मैंने इमीडिएटली बोला अरे कोई बात नहीं
तो ले जाओ बाद में दे दियो। मैं भाई इतना खुश हो गया, मैं सुपरमैन बन गया उस टाइम। कितना अच्छा लगता है ना उस मोमेंट में कि यार किस आदमी ने समझा। बिल्कुल एक मिनट में उन्होंने वो किया। टिल दैट मतलब आज 20 साल हो गए हैं, 18 साल हो गए होंगे उस चीज को, पर आज भी मैं उनसे याद है ना, आपको कनेक्टेड है वो, शायद भूल जाए, मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो उन्होंने बोला कि यार चल तू ले ले इसको, 23,000 में ले ले, बाद में पैसे दे दियो। तो मैं बहुत खुश हो गया, मैं बहुत खुशी खुशी में मैं भूल गया वो लाजपत नगर में शॉप थी। मैं उस टाइम रहता था फरीदाबाद, मैं भूल गया कि मैं जाऊँगा कैसे। शाम के 7-7:30 बज रहे थे उस टाइम ना, फरीदाबाद में फ्लाईओवर्स वगैरह अब तो बहुत अच्छे बने, उस टाइम बन रहे थे वो, तो और ज्यादा वो मिट्टी और गड्ढे वड्ढे हो जाते थे। तो क्या हुआ, मैं शाम को 7:30 बजे मैं लाजपत नगर से निकला हूँ। अब थोड़ा सी बाहर निकला मैं, मतलब 10 कदम चले होंगे, मुझे पता तो लग गया ये मैं उठा नहीं सकता, बहुत हैवी था वो। एक तो 88 कीज ऊपर से थर्माकोल, इतना बड़ा और बहुत भारी। मैं थोड़ी तो उस टाइम मैकेनिक्स वगैरह मैकेनिक वगैरह होते थे उसके वहाँ पे, तो मैंने उनसे ना वो ले लिए, 2 रस्सी ली। मैंने कहा चलना तो पड़ेगा, पैसे तो है नहीं, ठीक है। और उस टाइम ऐसा भी नहीं था कि कैब वैब का कुछ या फिर घर जाके दे दूंगा, ये कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने कहा चल चलते हैं, और बचपन से सीखा था सेल्फ रिस्पेक्ट, इतनी दिन लिफ्ट नहीं ले सकता था मैंने, आज तक जिंदगी में लिफ्ट नहीं लिया तो वो नहीं कर सकता था मैं। तो मैं अब चलने लगा, मैंने कहा कुछ भी अब तो चलना ही है। एंड फरीदाबाद, लाजपत नगर से फरीदाबाद इज़ लाइक आई थिंक 40 किलोमीटर्स समथिंग लाइक दैट। तो मैं शाम को 7 बजे चला हूँ वॉक करके, वॉक करके वो कीबोर्ड हाथ में लेके, कभी मेरे साथ में लेता हूँ उसको रस्सी बांध, कभी साथ में लेता, कभी इसमें ले रहा हूँ, कभी इसमें ले रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ बिना सोचे। पानी पीने के पैसे नहीं थे भाई, बिल्कुल नहीं थे। मैंने वहाँ पे बीच में ढाबे वाबे होते थे, मैंने वहाँ पे पानी फ्री में पानी मिल रहा, ठीक है। फिर मैं आगे गया वहाँ पे, अब मेरे घर में, और कौन सी ईयर की बात है ये, 2000 आई थिंक 6-7 की होगी। आप पैदल चल रहे हो? मैं पैदल चल रहा हूँ, ठीक है। और शाम के 7 बज गए, सुबह 6-6 बजने वाले हैं। अब मुझे पता है कि अब मेरे मदर को वहाँ भी जाना है, स्कूल भी जाना है, तो मामा वेट कर रहे होंगे। तो मैं पहुँच रहा हूँ, अब मैं बेसिकली अब लास्ट फ्लाईओवर बच गया है जिसको मुझे क्रॉस करके मेरा घर आ जाएगा, घर आ जाएगा भाई। वो लास्ट फ्लाईओवर में से आधे पौने घंटे में क्रॉस हुआ है, सिर्फ छोटा सा फ्लाईओवर, 100-150, थकान इतनी हो गई थी। देन आई थॉट के अब मैं जाते ही इसको रखूँगा और सो जाऊँगा, तो गिर जाऊंगा मैं तो। सुबह पहुंचा मैं 6 बजे, शाम को आज की डेट में किसी को बोलोगे गुड़गांव के लड़के, वो यकीन भी नहीं करेगा। हाँ नहीं, मेरे जो जाने वाले ना वो कर लेंगे, नहीं नहीं मैं खुद ऐसे उत्तराखंड से मैं यकीन कर लूंगी, हाँ भाई ये पॉसिबल चीज है। मैंने ये किया है, वो मेरे को जानता है, वो यकीन कर सकता हूँ इस बात पर। फिर क्या हुआ, मैं वहाँ पहुंचा हूँ और मैंने कीबोर्ड रखा है, मम्मा स्कूल गई है। मैं एकदम से अपने बेड के ऊपर ऐसे गिर गया, ऐसे करके धाराशाही हो गया कि भाई अब तो सोऊंगा मैं, बढ़िया। बट नींद कहाँ आती है जब इतना तो देखना है। फिर मैंने खोल के देखा, फिर मैंने बढ़िया तसली से बजाया उसको, बड़ा खुश हुआ मैं, कनेक्ट हो गया ये वो ताम अच्छे से बजाया उसको। तो फिर उसके बाद सो गया। उस टाइम ऑर्कुट चलता था, तो ऑर्कुट के ऊपर मेरे को मैजिक बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं आपके ऑडियंस को ये भी बता रहा हूँ कि मैजिक होता है, जेन्युइनली होता है मैजिक। अगर मैं वो चीज़ नहीं करता तो अगले दिन मेरे पास ऑर्कुट पे एक बंदे का मैसेज आता है स्कॉटलैंड से कि एक एल्बम करनी है, ऐसे करके सारा कुछ है। एंड उसने मुझे एक अमाउंट बताया, कहता उसने मुझे ये बोला कि यार बहुत सस्ता है अमाउंट, मतलब मेरे पास इतना बजट नहीं है कि कोई और स्पॉन्सर कर रहा है। मेरे को लगा होगा थोड़ा बहुत कम, उसने बताया मुझे मेरा ये बजट है, जो बजट बताया उसने मैं सुन के हिल गया। हाँ, उनके हिसाब से कम था, मैं सुन के थोड़ा सा वो हो गया। मैंने कहा ठीक है अब करवा दो, उन्होंने बोला कि मैं इतना इतना करके कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है आप कराओ, मेरे को पता ही नहीं था पैसे ऐसे आते हैं, तब मुझे ये भी नहीं पता वेस्टर्न यूनियन से पैसे आएंगे तो मैं जाके पैसे। अच्छा, अभी तो मेरे को भी नहीं पता, अभी तो हम लोग फोन पे पेटीएम। पहले क्या होता था ना, आप पैसे कहीं पे जमा करो, वेस्टर्न यूनियन एक चीज होती थी, आप वहाँ पे जाओ वो नंबर बताओ आपको वो पैसे दे देंगे। तो आपको ऐसा लगे यार ये पैसे आ गए हाथ में, कैश आ गया मेरे हाथ में, कोई उसका जो भी था। तो आई फेल्ट लाइक कि अगर मैं कल नहीं जाता और कल ये काम नहीं करता तो मेरे पास आज जो 2 दिन बाद मेरे पास ये सब नहीं होता। देन वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, वहाँ से मैंने पैसा कमाना शुरू किया। वहाँ फिर मैंने अपना और अच्छे से म्यूजिक बनाना शुरू किया। ऑर्कुट का टाइम है बिल्कुल, हाँ ऑर्कुट में तो बहुत पॉपुलर नहीं था, मतलब वो बड़े शहरों में आ गया था। हाँ फिर उसके बाद बड़े काम किए धीरे धीरे। फिर वो पहला प्रोजेक्ट था स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का पहले इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किया मैंने, पहले था हिंदी था बट हाँ इंटरनेशनल था वो। यार क्या तो किया था, मतलब मैंने नॉर्मली गाने बनाए थे, अपना मिक्सिंग मैंने करी थी उसकी क्रिएटिव के स्पीकर्स पर, 2,500 के स्पीकर्स पर, तो वो था मेरा पहला। मैं अपना कॉलेज खत्म करके गया ही था तब करा था मैंने। और अभी ये बॉलीवुड में कौन सा था, अरमान मलिक के साथ था ना? नहीं नहीं बॉलीवुड में मेरा किसके साथ था, बॉलीवुड यार पता ही नहीं, पहला भूषण सर के साथ था, मैं तो यही बोलता हूँ। अच्छा मेरे को ये नहीं पता कि सिंगर के साथ था, चलते रहते हैं। तीसरी इसका ना बहुत बड़ा नाम है। और
हर एक म्यूजिक लेबल बड़ा कि उसके अंदर कुछ होता है कि हाँ इस वजह से टी सीरीज बहुत बड़ा है। अगर आपको मतलब एक होता है ना कि हमने देखा है वहाँ पे काम होते हैं और बाकी म्यूजिक लेबल भी काम कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, बट आपकी वजह आप अगर पर्सनली तो आपको क्यों लगता है कि टी सीरीज क्यों बड़ा है? क्यों भूषण कुमार सर है, दैट इज ओनली एंड ओनली वन रीजन, एंड गुलशन सर की ब्लेसिंग्स हैं, भूषण कुमार सर हैं वहाँ पे, और मैंने उनसे ज़्यादा कब अपनी लाइफ में हार्ड वर्किंग, मैं तो चलो पैदल वैदल ये तो अलग बातें होती हैं, बट मैंने उनसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान नहीं देखा। जरूरत नहीं है उनको उतना, एक समझ रहे हो, एक होता है कि यार मेरे को जरूरत है, मैं एक चीज कर रहा हूं, उनका पैशन है, इतने संपन्न है वो कि उनका पैशन है, एग्जैक्टली वो इतने संपन्न है बट उनको पैशन बहुत है, उनको ये है कि हमारे यहाँ से कोई गाना निकलेगा तो हम ये शब्द नहीं बोल सकते, हम ये नहीं कर सकते, ये सारी चीजें नहीं हो सकते, डिटेलिंग में कट टू कट बहुत ज्यादा डिटेलिंग में काम होती है, बहुत ज्यादा मेहनत करके काम होती है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जब सर ने मेरे साथ जितना भी काम किया, मेरे को बहुत मजा आता है। इनफैक्ट धोखा गाना आपने सुना होगा अरिजीत वाला, क्यों नहीं सुना, लास्ट डे तक भूषण सर वॉज वर्किंग ऑन दैट सॉन्ग, एंड वो लंबा हमने साल भर काम किया उस गाने के ऊपर, एक साल पहले बनाया था वो गाना, ना वो रिजल्ट दिखता है लेकिन उस गाने पे वो, अब ऑब्वियसली वो भूषण सर का है सर, भूषण सर का। मैं जेन्युइनली मैंने एक दो और लोगों से तारीफ सुनी कि इतने एक्टिव हैं, और मैं जेन्युइनली ये सोचता हूँ कि मैं अरे संपन्न होंगे क्या सच में इतना काम करते हैं, तभी हैं वो करते हैं यार वो बहुत ज्यादा। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अपनी लाइफ का बहुत ज्यादा श्रेय मैं उनको देता हूँ, भूषण सर को देता हूँ, एंड मैं आप ये कह लो या तो मैं भक्त हूँ उनका, या फिर ये कह लो मैंने उन जैसा कोई देखा नहीं है। मिले कैसे थे आप, याद है? मेरे पास कॉल आया था कि मैं एक्चुअली काफ़ी कुछ कर रहा था, तो वो सब कुछ इनडायरेक्टली टी सीरीज के पास ही था म्यूज़िक, तो फिर मेरे को कॉल आया था, तो मैं बड़ा खुशी गया था कि मेरे को यार कॉल आया, मैं मिला, तो वहाँ पे ही हुआ आप हमारे आर्टिस्ट बनोगे, मैंने बोला इमिजिएटली बनूंगा। देन मैं भूषण सर से मिला, जस्ट वन डायलॉग आई रिमेंबर उनका, उन्होंने सिर्फ इतना एक बात बोली थी, लॉयल रहना बस, एंड वो मेरे को उसका कोई डाउट ही नहीं था, एंड आई एम 100% लॉयल टू हिम। और कैसा उनका? बहुत अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, वेरी यू नो ही इज़ वेरी सो वर्कहोलिक, वो खाना खाते हुए भी काम करते हैं, यू नो मेरे को ऐसा, मैंने ऐसा देखा है एक बारी वो खाना खा रहे थे एंड ही वॉज वर्किंग, मेरे को समझा रहे थे वो कोई चीज़, तो ऐसा हमने लॉकडाउन में बहुत काम किया है। सर का मेरे पास कॉल आया था लॉकडाउन में, मनन क्या कर रहा है, मैंने बोला सर अब करते हैं गाना बनाते हैं, तेरी आंखों में अगर आपने गाना सुना होगा, दर्शन एंड नेहा कक्कड़ वाला, दैट इज़ माई सॉन्ग, तो तेरी आंखों में हमने लॉकडाउन में बनाया, सुबह सुबह 4 बजे मैंने क्रैक किया है वो गाना, मैंने सर को 4:30-5 बजे के आसपास भेजा है, 6 बजे सर का कॉल आ गया मेरे पास, और वो लॉकडाउन का वो टाइम था जब लोग 12-12, 15-15 घंटे सोते थे, सर का 6 बजे उस टाइम भी इतने एक्टिव थे, उस टाइम तो बहुत एक्टिव हो गए थे सर, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। एंड सर फिर उसके बाद ऐसा भी लगता ना यार कि मेरे अलावा कितने लोग हैं, कितना काम है, सबको संभाल रहे हैं ना। हाँ एग्जैक्टली, तो वो उस टाइम के ऊपर मेरे को बस यही लगता है यार, इट इज ऑब्वियसली अ ब्लेसिंग टू मी, एंड आई हैव नेवर सीन अ पर्सन लाइक हिम, मतलब ही इज लाइक नेक्स्ट लेवल, इसलिए सब लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं रिस्पेक्ट तो करता हूँ, मेरे को एक मोहब्बत है उनसे, मैं अपनापन है मेरे को एक है उनके साथ, सर के साथ अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा। कोई फेवरेट गाना आपका जो आप चाहते थे काश मेरे पास, मुझे ये करना था, मतलब ऐसा कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि आज का कोई सा भी गाना जो आपको इतना पसंद हो, अगर आप सोचते काश मेरे दिमाग में आता, काश मैं बना यार, ऐसे गाने आते तो दिमाग में बट वो निकाल देता हूँ जल्दी से, मैं काश की स्थिति में ना कम ही रहता हूँ। काश ना मेरे को वर्ड ही बड़ा अजीब सा लगता, काश हो जाता। हमें कौन सा गाना यार, मैं एक रफ़ी साहब का एक गाना था उसमें, हकीकत फिल्म में, बहुत पुरानी फिल्म, बहुत मुझे देख के बहुत पुरानी, नहीं यार वो मेरे से भी बहुत पुरानी है भाई, वो इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स से भी बहुत पुरानी है, आप मतलब उतना पुराना म्यूजिक सुनता, मेरे डैड ने सुनाया था मेरे को, वो उन्हीं से सुना था वो गाना, मैं वैसा गाना अभी तक मेरे को मज़ा आएगा बनाने में अगर मैं वैसा गाना बना पाया तो। और आपको अपना कौन सा फेवरेट लगता है? यार मेरे को फेवरेट यार एक्चुअली हर बंदा ना वही बोलता है कि मेरा ये वाला हिट हो गया था, मैं इसको फेवरेट बोल देता हूँ। हाँ जैसे चिट्टा, अब मेरे को सारे गाने अच्छे लगते हैं यार अपने, कई गाने ऐसे भी लगते हैं कि यार इसमें और बेटरमेंट हो सकती थी, इसमें ये हो सकता था, हर एक आर्टिस्ट को लगता है जब वो निकल जाता है कि यार ये और हो सकता था, ये और हो सकता था, एग्जैक्टली ये और हो सकता था, बट हाँ सारे ही फेवरेट हैं यार, मतलब मेरा खुद का तो सब अच्छे हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो भी नहीं बोलता कि मैं फाड़ू गाने हैं, और ऐसा भी नहीं है, मेरे को पता है क्या लेवल है, कहाँ पे स्टैंड करते हैं। मैं ना आपका इंटरनेट पे पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था,
तो उसमें ऐसा नेटवर्थ 50 CR लिखा हुआ। भाई वो ऐसा कुछ नहीं है यार, 50 CR वगैरह ज्यादा बोलो 100 CR। अरे वो थोड़ा सा ऐसी है ये, अच्छा लिख देते हैं ना ये बातों पे ज्यादा गौर मत किया करो, गौर मत किया करो। मेरे को बहुत मजा आता है अगर पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं पैसे वैसे की बात कहाँ, पैसा बीच में लेके आ रहे हो अपने यार। आर्टिस्ट के लिए पैसा ज्यादा मायने रखता है, सही बात है। अच्छा मैं आपके कुछ सिंगर्स के नाम लूंगा, आपको आप एक पॉइंट ऑफ व्यू देना। ठीक है, अरिजीत सिंह, वी हैव नेवर प्रोड्यूस्ड अ सिंगर लाइक हिम इन इंडिया। इंडिया में उनसे ज्यादा सिंगर आज तक नहीं आया, दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन प्लीज कोई ऑफेंड मत होना, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है हिंदुस्तान में अरिजीत सिंह जैसा सिंगर मुझे भी लगता है। मैंने डेकेड होता है ना, एक डेकेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, इस पर हो सकता है लोग ऑफेंड भी हो जाएं, बट ये फैक्ट है हिंदुस्तान ने अरिजीत सिंह जैसा सिंगर प्रोड्यूस नहीं किया है आज तक। अगर आप बॉलीवुड या फिर एक वो वाला म्यूजिक जो दुनिया सुनती है, जो म्यूजिक, उस म्यूजिक में शास्त्रीय संगीत की बात नहीं कर रहा मैं, फोक म्यूजिक की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ। हाँ, जो उनकी वेरिएशन है जितना ब्रॉड है, जो गा सकते हैं वो जो गा सकते हैं सब कुछ गा सकते हैं। एग्जैक्टली, सेशन लेवल, वेरी नाइस वॉइस एंड वेरी पावरफुल वॉइस। जुबिन नौटियाल, ऐसी आवाज मैंने बॉलीवुड में तो नहीं सुनी है, बहुत ही अलग आवाज है और बहुत सोलफुल सिंगर है, बहुत प्यारा इंसान है। नेहा कक्कड़ वेरी, मैंने अभी एक गाना किया था नेहा कक्कड़ के साथ, आई गॉट लकी, एंड वो जो गाने में शरारत डाल देती हैं, वो शरारत, हाँ, वो एक नेहा कक्कड़ का एक वर्ड में आपको डिस्क्राइब करूँ तो शी इज वेरी सोलफुल एंड यू नो अच्छी शरारती आवाज है बहुत ज्यादा। अमित त्रिवेदी, इंस्पिरेशनल टू सो मेनी म्यूजिक कंपोजर्स। दिलजीत दोसांझ, वेरी, दिलजीत दोसांझ इज एक्चुअली एवरीथिंग इज सो पॉजिटिव अबाउट हिम कि मेरे पास एक्चुअली वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब वो बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, फ्री हैं बहुत ज़्यादा, वो उनका म्यूजिक सुन के अच्छा लगता है, उनके गाने सुन के वाइब है, मतलब वाइब है, वो जब जूतों की बात करते हैं तब भी अच्छा लगता है। क्या बात है, जूतों की बात, जूतों की बातें करते हैं, नॉलेज है उनको। एग्जैक्टली, बादशाह मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुना है, बट जितना सुना अच्छा लगा मुझे। और एक मेरा पर्सनल कनेक्ट बादशाह के साथ ये है कि क्या कहते हैं वो जो हरियाणवी बोलते हैं, बहुत कम सिंगर्स हैं जो हरियाणवी उसको उस तरीके से वो करते हैं, बट आई लाइक हिम। हाँ, जबकि हरियाणवी, एग्जैक्टली, वो दिल्ली से हैं, दिल्ली से हैं, बट नो, वेरी नाइस वाइब उनका, एक उनका म्यूजिक बहुत ही अलग है। हनी सिंह, यार ऑब्वियसली हनी बाजी तो जो आज सब कुछ चल रहा है वो मेरे हिसाब से उनकी उनकी देन है यार, उनकी सोच है। हनी बाजी ने बहुत कुछ चेंज किया है, बहुत अच्छे वे में बहुत कुछ चेंज किया है। सुनील चौहान, लेजेंड। श्रेया घोषाल, लेजेंड, बोथ आर लेजेंड्स। एमसी स्टेन, यार ऑनेस्टली बताऊँ मैंने भाई गाना सुना नहीं अभी, आई एम सॉरी भाई अगर कोई बहुत फैंस है उनके, मैंने उनको मेरे को एक्चुअली क्या है ना भाई, सबका अपना अपना म्यूजिक टेस्ट है, और टेस्ट की बात नहीं है, मतलब मेरा जो टेस्ट नहीं है मैं वो भी सुनता हूँ, बट मैंने, मेरे को अभी थोड़ा समय लगेगा वो समझने में, शायद मैं अपने अपनी कमी बता रहा हूँ इसमें, मुझे थोड़ा समय लगेगा वो म्यूजिक समझने वो म्यूजिक नहीं, वो ओवरऑल एक गाना समझने में। म्यूजिक तो पता है, हाँ यार ट्रैप हिप हॉप ये सब फ्यूचरिस्टिक बेस वाली सब आता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, लाइफ लेसन आपका, आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, कई गाने आपने अपने तक का किया, कई गाने आपने शायद बताई होंगे उनको, और कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो आपने लाइफ में किसी को नहीं बताए, तो वो इंसिडेंट भी आप बता सकते हो कि यार तुम अगर आज मनन भारद्वाज को ऐसे देख रहे हो ना कि यार सेलिब्रिटी लाइफ सब है, बट उसने डीप डाउन लाइफ में ये भी फेस किया, और प्लस उसके साथ एक लाइफ लेसन, हाँ ये लाइफ में मेरा लेसन है सामान लेना बहुत काम। यार मेरे को ऐसा लगता है लाइफ ना रोज लेसन देती है, मेरे खुद के बहुत सारे लाइफ लेसन हैं, बट कल एक ना बड़ा ही बड़ा टची एक मैंने लाइफ लेसन समझा है, एक पता ये सबको होगी बात, आप सबको भी पता होगी, आपको भी पता होगी, तो कल मेरे को एक मेरे दूसरे दोस्त को एक चीज़ बता रहा था, उसने ये चीज़ बोली थी कि सिर्फ एक चीज़ है जिसका सोल्यूशन नहीं है, मौत, बाकी हर चीज़ का सोल्यूशन है, दैट इज़ वेरी, कितना बड़ा स्टेटमेंट, इतना बड़ा स्टेटमेंट है, कोई समझ पाएगा, सिर्फ एक चीज़ है जिसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो बंदा चला गया उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, उसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो जो भी करना है, रिग्रेट करना है, रोना है, जो भी करना है वो उसके बाद कर लेना, उससे पहले हर चीज का सोल्यूशन है, दैट इज सच अ मोटिवेशन, या ये मतलब इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो मेरे को ये एक्चुअली ये चीज लगती है कि
हर चीज़ का एक सोल्यूशन है, हर चीज़ का आप वर्कआउट कर सकते हो, सिचुएशंस को आप संभाल सकते हो, समय देके संभाल सकते हो, मेहनत करके संभाल सकते हो बस। आपके लिए छोटा सा गिफ्ट रखा है मैंने। अरे यार, और गिफ्ट मेरे को वैसे बहुत पसंद है। हाँ। बड़ा सा दो यार, छोटा क्यों देते हैं? ठीक ठाक बड़ा ही देंगे। आप ऐसे दे देते हैं, आपने खुद ही खोल के चलो आप देख लो। ऐसे मुझे आपसे एक दिक्कत, आपने इंस्टाग्राम पे अपनी फोटोज बहुत कम डाल रखी हैं यार भाई। और आप हंस, मतलब मेरे को आपकी इंस्टाग्राम पे हंसती एक भी फोटोज नहीं मिली, बट आई होप आपको पसंद आए होंगे। वाओ वाओ वाओ, थैंक यू सो मच भाई। ये क्या नाम है ना, एक मेरे दोस्त हैं, उनको भी यही प्रॉब्लम, मेरे से हंसते के हंसते फोटो नहीं डालते, बट बस मुस्कुरा रहा हूं यार, देखो बहुत ही प्यार। हां तो ये बड़ी मुश्किल से हमें ढूंढनी है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं। आ गया भाई, अरे फर्स्ट में आ गया। ये तो बहुत गलत है एकदम से। टेल ठीक है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम खेला गया। गिफ्ट टेक ही डांस टू अनदर प्लेयर। अरे नहीं उठा पाएगा भाई। मेरे दो दोस्त हैं दीपक और हिमांशु, वो बहुत ही ज्यादा नलायक हैं, बहुत ही ज्यादा क्या कह सकते हैं उनको, बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा आवारा भी हैं, बहुत ज्यादा नलायक हैं, बहुत ज्यादा बुरे हैं, बट बहुत अच्छे दोस्त हैं। और बस लव यू दीपक और हिमांशु। रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए सबकी पसंद दिव्यांश। थैंक यू सो मच भैया, आप आए और कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा दिव्यांश, एंड आई डू सब्सक्राइब बी लाइव स्टूडियो, बहुत अच्छे चाय मिलते हैं यहाँ पे। बाल्टी भर के चाय लेकर आ। और गाने आ रहे हैं, एनिमल में हैं। सत्यप्रेमी कथा में, एनिमल में, यारियां में, बहुत सारे मनन भर दो आज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत सारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें।